पहले मेरे सभी दर्शकों को शाल सिंह का प्रणाम। ये हम जौनपुर जिले में कर रहे हैं शूट, और अभी तो भट्टे में कर रहे हैं जौनपुर में। या अब बात रहे अंगना, मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये फ़िल्म कर रही हूँ और मैं हिस्सा हूँ इस फिल्म का। और इस फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत बेहतरीन स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी जो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। कौन कहता है कि भोजपुरी में अच्छी कहानियाँ नहीं मिलती या फिर अच्छी फिल्में नहीं मिलती। जिसे ये साबित करने के लिए कि भोजपुरी में बहुत खूबसूरत फिल्में बन सकती है जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, हमारे मिथिलेश बहुत ही खूबसूरत कहानी बना रहे हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पार्ट हुई इस फिल्म का, मैं मेन लीड हूँ इसकी। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब तक की मैंने जितनी भी फिल्में की है, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा सूर्या शर्मा के साथ। सबसे पहले तो वो बहुत कोऑपरेटिव है एंड बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, एंड मैं चाहूँगी कि उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे जो ऑडियंस है उन्हें प्यार दे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है होती है एक न्यू कमर्स को। कि मतलब जैसे आज तक के हमारे ऑडियंस ने सभी आने वाले एक्टर्स को प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं चाहूँगी कि उस एक्टर को भी कीजिए, बिकॉज वो डिज़र्व करता है ये, और बहुत अच्छा एक्टर है एंड आई नो कि वो बहुत ऊपर जाएगा। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक एक बेस्टी वाली फ्रेंडशिप हो चुकी है। सो मैं बहुत खुश हूँ एंड मतलब मैं चाहूँगी कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारे ऐसी केमिस्ट्री को, पर्दे पे दिखाएं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, दैट्स इट। मैं प्रॉपर गांव के लुक में नजर आऊँगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा नदिया के पार का लुक होगा, वो दो चोटी एंड ऑल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज प्रॉपर एक गाँव की बहुत पहले की मतलब लड़की दिखाई गई है, सो मैं उस लुक में नजर आने वाली हूँ। अरे मैं आकर बहुत ज़्यादा खुश हुई बिकॉज़ यहाँ पे गांव में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि यहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम होता है, जैसे कि हमारे शहरों में एक दूसरे के लिए कभी टाइम नहीं होता, सब मतलब से मिलते हैं और कभी भी घर से भी बाहर निकलते हैं तो लोग मतलब से निकलते हैं। यहाँ लोग बहुत प्यार देते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं कोई हीरो है हीरोइन है, तो आकर आपसे बहुत एक्साइटमेंट से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। एंड जौनपुर तो है ही बहुत खूबसूरत, तो कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी फैमिली है, मैं पूरी फैमिली से मिली उनके एंड मैक्सिमम टाइम भी स्पेंड करती हूँ मैं उनकी फैमिली के साथ, और बहुत प्यार मिला उनकी मुझे उनकी फैमिली से। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सतीश दुबे जी, जो कि एक बहुत ही ग्रेट और बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी हैं और बहुत अच्छे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे प्रोड्यूसर्स मतलब आएँ और सीरियसली फिल्म बनाएं, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड पर्सन। और सर से बहुत ज़्यादा तो बात नहीं हुई मेरी, एक दो बार बात हुई है कॉल के थ्रू, एंड वो बहुत अच्छे इंसान है सबसे पहली बात, और मैं चाहूँगी कि उनका ये प्रोड्यूस किया हुआ फिल्म बहुत ऊँचाइयों तक जाए। जी, डायरेक्टर सर की बात की जी, उनके बारे में कोई शब्द नहीं है कोई शब्द नहीं है बिकॉज वो मेरे फादर हैं और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ जी, मेरे फादर हैं और मतलब मैं माय ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर, तो कोई शब्द नहीं है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली पापा है मेरे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ काम करने का। सो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत लकी हूँ, मैं सच में मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा मैं फील करती हूँ कि मैं सीरियसली कहीं ना कहीं से कुछ मतलब अच्छे कर्म किए होंगे जो उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और बहुत जल्दी चांस मिल गया बिकॉज मतलब ऑब्वियसली वो स्टार मेकर है, सबको उन्होंने बनाया था, ऐसा फीलिंग हो रही है कि कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ भी। अभी तक के तो मैंने मतलब किया है, इसके पहले मैं 7 फिल्में कर चुकी हूँ, कुछ किसी में गेस्ट अपेरेंस किया है, और एज अ लीडिंग मैं लॉन्च हुई थी यश मिश्रा सर के साथ जी तो 16 बरस की मैं 17 बरस की फिल्म से लॉन्च हुई थी मैं, और उसके बाद मैंने काफ़ी स्टार्स के साथ काम किया, लाइक कलू जी के साथ किया, रितेश जी के साथ भी काम किया, मतलब ऐसे वर्क्स करती रही, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और इसके बाद तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिर हमारे मिथिलेश अविनाश सर का ही कर रहे हैं, 23 से नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, और उसके बाद है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, वेट कीजिए, बिकॉज कहते हैं ना कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पहले बता देते तो मज़ा नहीं आता, राइट। या फ्रेंड्स और दर्शकों से बस इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, बिकॉज आप लोगों ने सबको सपोर्ट किया है आज तक के, तभी इतने बड़े 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 स्टार्स बने हैं, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए एंड प्यार दीजिए ताकि हम भी अपना टैलेंट दिखा सकें और कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच।